हेलो गाइस, तो आज के दिन है खाए ना है उस दिन बनता है चने का दाल, चावल, रोटी, सब्जी, लौकी का सब्जी तो मेन होता है जो बनता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले चाय बना ले रही हूँ, उसके बाद क्योंकि सबसे पहले चाय ही बनेगा, क्योंकि सबसे पहले मम्मी पिएगी, उसके बाद फिर कोई पिएगा। तो चाय एकदम साफ़ बनेगा, पूरा किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करके, साफ़ दूध मंगाकर फिर चाय बनेगा, उसके बाद फिर खाना बनेगा। तो जो चाय बना रही हूँ वो सबसे पहले मम्मी पिएंगे, उसके बाद फिर हम सब पिएंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले चने का दाल बना लूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि इसको भिगोकर पहले से रखा जाता है, ये तुरंत ही धुलकर बनाया जाता है। अगर भिगोने का हो तो बहुत जल्दी बन जाए, लेकिन इसको तुरंत ही इसको धुलकर बनाया जाता है, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ सबसे पहले चने का दाल बना लूँगी, क्योंकि बहुत थोड़ा लेट हो गया था, बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कुकर रख कर और इसमें लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं सबसे पहले कुकर को रख दी। उसमें सरसों का तेल डाल के, हरी मिर्च डाल के, अदरक डाल के, और क्या कहते हैं, सारे मसाले ऐड करके, जो भी गरम मसाले या जो भी पड़ते हैं, मतलब गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च है, इन सबको डालकर मैं दाल को फ्राई मतलब उसमें मिक्स कर लूँगी। मसाला अच्छे से भुनने के बाद, जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद कैसे
हाय गाइस, खाना पीना वगैरह हो गया है। सबसे पहले मम्मी ने खाया है, उसके बाद हम सब ने खाया है। तो खाना पीना वगैरह हम सबका हो गया है और अभी हम सबको जाना है मार्केट, क्योंकि बहुत सारा सामान है पूजा छठ पूजा के लिए जो कि लेना है। बहुत सारा सामान होता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा बहुत सारा चीज़ बहुत सारा होता है। जैसे फल में आपको जितना भी फल मिल जाए, जो भी छोटा से लेके बड़ा तक कोई भी फल हो, जो भी हो, जितनी भी फल होते हैं उन सब की ज़रूरत होती है इस पूजा में, सब लगता है। और जैसे कच्ची हल्दी होगी, और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो इसमें लगता है, और वो सब ख़रीदा जाता है मार्केट। इसीलिए हम सब जा रहे हैं कि ताकि पूजा का भी सामान लाना है, बहुत सारा लाना है, तो एक दिन में नहीं हो पाता। इसलिए आज भी मार्केट जाना है एंड कल भी जाना है। तो कल मैं घर देखूंगी एंड मम्मी जाएंगी, तो इसीलिए ये हुआ कि आज भी मार्केट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है लाने के लिए, तो कुछ भूल गए तो कुछ आता है, कुछ नहीं आ पाता है, तो इसीलिए दो तीन दिन निकलना हो जाता है आज और कल। क्योंकि परसों तो एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा हम लोगों के पास जाने के लिए, क्योंकि उसी दिन शाम में ही होगा, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए जितना हो सकता है आज ही सामान आ जाएगा, और ताकि मतलब कुछ भूले ना हम लोग, सब कुछ जो जो चीज़ें लगती हैं सब जाकर आज मार्केट से हम सब ले आएँ। तो इसीलिए आज हम सब निकलेंगे। अभी 2:30 बज रहा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में काम वाम ख़त्म करके फिर हम सब लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना आप, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रहा है व्लॉग बनाने में। एंड हाँ, पता है मेहनत तो है भाई, लेकिन कम से कम आप लोग एक लाइक तो प्लीज़ कर दीजिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद मार्केट में। हे गाइस, तो हम सब आ गए हैं मार्केट में, और मम्मी जो भी सामान पूजा का लेना है वो सब हम लेने के लिए निकले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा हम सब कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या लेते हैं। यहाँ बहुत शोर हो रहा था। She's sweet as candy, I know you wanna be with her, but Josie got a reputation, a scratch behind that fur. She's
got her little game perfected. She'll let you think you have control, and then one day when you least expect it, she'll steal away your soul. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. Think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. No one not to blame, and there's no shame in falling for her side. I know you think she's sweet as candy. I'd never get a word in her, but Josie got a good reputation. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself. She's got her little game perfected. She'll let you think you have control. Josie, then one day when you least expect it, it's so easy when you're so winning, but she's got herself another plan. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself. Josie has the upper hand. Think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. Shame in falling for her siren, but while you're still a man, you better get out while you can. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You may think you're being clever like some kind of modern man, but Josie has the upper hand. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. गाइस, तो सारा मार्केट हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर। और अगर ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मिले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जिस दिन खरना होगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पर प्लीज़ लाइक ज़रूर करना आप। जय छठी मैया।